क्या हुआ जब 270 सालों बाद इस मंदिर के दरवाजे खोले गए और अंदर का चमत्कार देखकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के महोबा गांव से, जहां पर एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ है। कारण पूछने पर यहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, एक समय पर यह मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी जी की सोने की मूर्ति थी, लेकिन सन 1753 में कुछ लुटेरों की नज़र इस मंदिर पर पड़ गई और वो दोनों मूर्तियों को चुरा करके अपने साथ ले गए। उसके बाद इस मंदिर के पुजारी ने ये शपथ ली कि जब तक वो दोनों मूर्तियां इस मंदिर में पुनर्स्थापित नहीं कर देता, तब तक इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। और उस पंडित परिवार की 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक भगवान की वो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित नहीं हो पाई है। इसलिए पिछले 270 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है। इस बीच जॉनसन नाम के एक विदेशी न्यूजीलैंड से भारत भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, और जब वो मथुरा पहुंचे तो वहाँ श्री कृष्ण की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि वो मथुरा के ही बनकर रह गए। जॉनसन मथुरा और वृंदावन में रहकर ही दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते। और एक दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि रात्रि को उन्हें स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि महानगर मुंबई के समुद्र के बीचों बीच तुम्हें एक नींबू तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी नींबू के नीचे गहराई में मेरी राधा संग मूर्ति रखी हुई है। उन दोनों मूर्तियों को वहां से बाहर निकालो और राजस्थान के महुआ गांव में लेकर जाओ। जब जॉनसन की आंखें खुली तो वो पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन आदेश स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का था और जॉनसन एक बहुत ही अच्छा तैराकू था। वो तुरंत ही मुंबई के लिए रवाना हुआ और उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। मुंबई का वो महासमुद्र बहुत ही विशाल है, उसमें एक छोटे से नींबू को ढूंढना ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन जॉनसन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर भरोसा था कि वो उसे राहत जरूर दिखाएंगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी दूरी पर तैराकी करने के बाद उसे सामने एक नींबू तैरता हुआ दिखाई दिया। वो जब गहराई में गया तो उसे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्ति प्राप्त हुई और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वे उन्हें ले करके राजस्थान के महुआ गांव पहुंच गए। महुआ गांव के गांव वासियों ने जब उन दोनों सोने की मूर्तियों को देखा तो वे धन्य धन्य हो गए। और वहां के बुजुर्गों का कहना था कि ये वही दो मूर्तियां हैं जो सन 1753 में इस मंदिर से चोरी हो गई थी, जिसके बाद पंडित परिवार की 3री पीढ़ी ने 270 सालों बाद महुआ गाँव के इस मंदिर का दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि इतने सालों तक मंदिर बंद था फिर भी अंदर पूरी तरह से साफ सफाई हो गई थी। शायद भगवान स्वयं अपने घर में आने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके दोनों मूर्तियों को पुनः मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। गांव में सभी रहवासी जॉनसन का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश था। लेकिन सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि लुटेरे इन दोनों मूर्तियों को चुरा कर ले गए थे तो आखिर ये मुंबई के समुद्र के बीचों बीच कैसे आ गई। तब वहाँ के एक साधु महाराज ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर गांव वालों को बताया कि जब वे लुटेरे जहाज के माध्यम से सभी चुराई हुई मूर्तियों को विदेश ले जा रहे थे, तभी बीच समुद्र में अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और वो लोग समझ चुके थे कि ये भगवान का ही क्रोध है और चुराई हुई मूर्ति का ही नतीजा है। तो उन्होंने उसी स्थान पर महुआ गांव की उन दोनों मूर्तियों को छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने उन दोनों मूर्तियों को छोड़ा मौसम एकदम सामान्य हो गया और वे लोग आगे की ओर बढ़ गए। तब से ये दोनों मूर्तियां उसी स्थान पर रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग धन्य धन्य हो गए। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।